welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, globalization and the Indian economy, and aaj ka jo session hai wo hai session number 7. So in this session we will discuss about liberalization of foreign trade and foreign investment policy. Tax on imports is an example of trade barrier. It is called a barrier because some restrictions has been set up. तो जो tax लगता है import पे, जो हम लोग import करते हैं उस पर जो tax लगता है वो एक example है trade barrier का, क्योंकि वो कुछ you know एक barrier की तरीके से काम करता है. जो barrier इसीलिए बोला जाता है because जो सारे restriction है कुछ वो setup किए जाते हैं, that is why it works as a barrier. तो कुछ जो restriction है उनकी वजह से वो रोकते हैं कुछ चीज़ों को करने के लिए, एंड दैट इज़ वाई इसको बोला जाता है ये जो टैक्स है इम्पोर्ट्स पे वो एक बैरियर का काम करता है. गवर्नमेंट्स कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज विच इज रेगुलेटिंग एक्चुअली फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इन टू द कंट्री. तो जो गवर्नमेंट है वो यूज़ कर सकती है ट्रेड बैरियर्स को, एंड दैट इज़ वाई दे हैव दोज ट्रेड बैरियर्स. इसीलिए वो ट्रेड बैरियर्स उन्होंने बना रखे हैं कि उसे वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं जो भी फॉरेन ट्रेड है, तो जो भी इम्पोर्ट्स हैं उनको वो यू नो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, एंड वो डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट दे एक्चुअली वांट कि कंट्री में आए, कौन से गुड्स आए कंट्री में, हाउ मच ऑफ गुड्स कैन कम इन टू द कंट्री, एंड ये सारी चीज़ें वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो रेगुलेट कर सकते हैं. सो इफ़ दे डोंट वांट कि एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वो इम्पोर्ट की जाए तो वो उसको रेगुलेट कर सकते हैं. दे हैव दिस यू नो जो ट्रेड बैरियर्स हैं इसीलिए वो उन्होंने लगाए हैं कि ये सारी चीज़ें वो मेंटेन कर सकें, वो रेगुलेट कर सकें कि इफ़ दे डोंट वांट कि पर्टिकुलर चीज़ कंट्री में आए तो वो उसको यू नो कम कर सकते हैं, या तो या फिर वो बिल्कुल ही बंद कर सकते हैं, वो यू नो कंस्ट्रक्ट कर देंगे उसको, रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे इतने ज़्यादा कि आप ला नहीं पाए, या इफ़ दे डोंट वांट कि इतनी ज़्यादा बड़ी वो यू नो क्वांटिटी में आए तो वो क्वांटिटी भी कम कर सकते हैं. तो एक्चुअली वो उसे रेगुलेट कर सकते हैं कि क्या एक्चुअली कंट्री में आए या नहीं आए, कितनी यू नो क्वांटिटी में आए, इन सबको रेगुलेट करने के लिए वो ट्रेड बैरियर का यूज़ करती है गवर्नमेंट. द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो इंडियन गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस जब मिली इंडिया को उसके बाद उन्होंने बैरियर्स लगा दिए फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए. तो ये सारा कुछ अलाउ नहीं था, वो यू नो बिल्कुल ही कंस्ट्रिक्ट कर दिया था सब कुछ, एंड दैट इज़ वाई इंडिया में कुछ भी इंडिया से बाहर का अवेलेबल नहीं था. आप लोगों को याद होगा बच्चों, बहुत साल पहले अगर आप यू नो अगर सुना भी हो किसी से कि कोई इंडिया से बाहर जाता था, वेस्ट में जाता था, तो उससे बहुत सारी चीज़ें मंगाई जाती थी बिकॉज यहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी इंडिया में. सो पीपल यूज़ टू गो अब्रॉड एंड वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लाते थे फॉर एवरीबडी, एंड क्योंकि उस टाइम ट्रेड बैरियर्स थे एंड इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल बंद कर दिया था कि बाहर से कुछ भी फॉरेन ट्रेड हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो उसके लिए, तो सब चीज़ें कंस्ट्रिक्ट थी, इतनी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, सो नथिंग वॉज अलाउड उस टाइम पे. सो दैट इज़ वाई लोग वहाँ से लेके आते थे लोगों के लिए, एंड नाउ इफ वी सी तो सारी सब कुछ अवेलेबल है, गवर्नमेंट ने उसको ओपन कर दिया है बहुत, तो इसलिए नाउ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल और कुछ भी ऐसा नहीं है कि यू नो जो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे. ऑलमोस्ट यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हो गई हैं, तो इसके लिए अभी इफ़ समबडी गोज़ टू वेस्ट वहाँ से कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं होती, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम कर दिए गए हैं. दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरन कॉम्पिटिशन. तो ये इसीलिए कंसिडर किया गया नेसेसरी क्योंकि उससे जो इंडियन जो प्रोड्यूसर्स हैं विद इन द कंट्री जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको यू नो फॉरेन जो कंपटीशन है उसे बचाया जा सके, सो दैट हमारे अपने कंट्री के जो चीज़ें जो हम बना रहे हैं यू नो द मैन्युफैक्चरिंग दैट वी आर डूइंग उसको हम लोग यूज़ करें, नहीं तो फॉरेन से कंपटीशन विल कम एंड देन अगर हम लोग कम्पीट नहीं कर पाए तो वो सारी चीज़ें बिक जाएंगी एंड देन हमारा जो अपना सामान है वो नहीं बिकेगा. सो दैट इज़ वाई इस सोच के साथ वो उसको ये समझा गया कि उस टाइम दैट वॉज नेसेसरी टू डू, एंड दैट इज़ वाई वो किया गया उस टाइम में. इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950s एंड 1960s, एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स एट दैट स्टेज
would not have allowed these industries to come up. So industries jo thi us time they were just coming up 1950s and 1960s mein, and competition jo hai import se at that stage वो अलाउ नहीं होता ये इंडस्ट्रीज़ को आने के लिए. सो दैट इज़ वाई वो जो सारी चीज़ें की गई उस टाइम वो सारी चीज़ें उस टाइम वो ध्यान में रख के की गई. दस इंडिया अलाउड इम्पोर्ट्स ऑफ ओनली इसेंशियल आइटम्स सच एज मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. तो इंडिया ने जो अलाउ किया इम्पोर्ट उस टाइम वो केवल इसेंशियल चीज़ें थी जो इंडिया को यू नो गवर्नमेंट थॉट कि वो सारी इसेंशियल चीज़ें जो उनको मंगानी ही पड़ेंगी. सो इफ़ दे थॉट दे वर वेरी इसेंशियल कि उनको मंगाना ही पड़ेगा, दैट्स वाई उन्होंने वो सारी चीज़ें मंगाई. उसमें थी मशीनरी, फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम. तो ये कुछ चीज़ें थी इन दोज वर अलाउड टू बी इम्पोर्टेड टू इंडिया. उसके अलावा इतना ज़्यादा लिबरलाइज नहीं था मार्केट कि आप कुछ भी इम्पोर्ट कर सकें वहाँ से. इट वॉज नॉट लाइक राइट नाउ जैसा है मार्केट. बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे एट दैट टाइम. केवल मशीनरी, फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम था. कुछ और चीज़ें गिनी चुनी जो थी वो अलाउड थी. स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया. द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विद प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब. तो स्टार्टिंग 1991 में कुछ चेंजेस पॉलिसी में किए गए. काफ़ी जो चेंजेस थे वो किए गए. इंडिया की पॉलिसीज़ जो थी फॉरेन ट्रेड के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, सो उन पॉलिसीज़ में चेंज किए गए. गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो अब टाइम आ गया है कि इंडियन जो प्रोड्यूसर्स हैं दे कैन कम्पीट विद फॉरेन प्रोड्यूसर्स जो इंडिया में यू नो सामान जो लेके आएंगे. एंड देन अराउंड द ग्लोब जो भी कंपटीशन है उसे इंडियन प्रोड्यूसर्स नाउ वर रेडी. दैट वाज गवर्नमेंट ने ये सोचा एंड दैट्स वाई उन्होंने जो वो रिस्ट्रिक्शन है उनको कुछ कम किए, पॉलिसीज़ में चेंजेस लाए. तो क्योंकि उनके हिसाब से उनको लगा कि नाउ इंडिया वाज रेडी, इंडियाज़ प्रोड्यूसर्स वर रेडी कम्पीट करने के लिए जो अराउंड द ग्लोब जो मैन्युफैक्चरर हैं या प्रोड्यूसर्स हैं उनसे. इट फेल दैट कॉम्पिटिशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी. तो इट वॉज फेल दैट कॉम्पिटिशन वो जो है वो इम्प्रूव होगा. तो इवन द इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं दे विल मेक बेटर थिंग्स. उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा क्योंकि नाउ उनको अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी बिकॉज देर विल बी अ कॉम्पिटिशन उनके लिए क्योंकि फॉरेन से सामान आएगा. तो दे हैव टू यू नो अप अ नॉच ऑन देयर जो क्वालिटी है जो बना रहे हैं सामान, तो उसको उन्हें बढ़ाना पड़ेगा. एंड दैट इज़ वाई उन्होंने ये सोचा कि अब दैट इज़ द राइट टाइम और उसके लिए यू नो इंडियन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी दैट विल बी गुड कि कॉम्पिटिशन अब आए सो दैट क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो. दिस डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो इंडिया का इंडिया की गवर्नमेंट का ये डिसीज़न था जो ये बैरियर्स हैं उनको हटाने का, तो ये जो डिसीजन था दैट वॉज यू नो सपोर्टेड बाय जो पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट किया. दस बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट. दिस मेंट दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजिली एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर. तो जो बैरियर्स थे फॉरेन ट्रेड पे एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे वो रिमूव कर दिए गए अप टू अ लार्ज एक्सटेंट. तो ऐसा नहीं था कि एवरीथिंग दैट यू वांट यू कैन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ऐसा नहीं था. देयर विल स्टिल बी सम वहाँ पे गवर्नमेंट का फिर भी रेगुलेशन रहता है, बट अप टू अ लार्ज एक्सटेंट उसको ओपन कर दिए गए थे बैरियर्स को. एंड उसका ये मतलब था कि जो गुड्स हैं नाउ वो सारे इम्पोर्ट किए जा सकते हैं, एक्सपोर्ट किए जा सकती हैं चीज़ें ईजिली. एंड फॉरन कंपनीज जो हैं वो सेटअप कर सकती हैं फैक्ट्रीज एंड ऑफिस एंड दैट्स हाउ एमएनसीज स्टार्टेड कमिंग इन इंडिया. रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेटअप सेट बाय द गवर्नमेंट इज वॉट इज नोन एज लिबरलाइजेशन. तो दिस इज वॉट एक्चुअल इज अ लिबरलाइजेशन कि जो बैरियर्स हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं ऑन ट्रेड जो इंटरनेशनल ट्रेड है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसके ऊपर उसको हटा लेना ही दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन. विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड बिजनेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट. तो लिबरलाइजेशन जो ट्रेड का हुआ उसे बिजनेसेस जो हैं
वो अब अलाउड है कि वो फ्रीली अपना डिसीजन ले सकते हैं कि वो क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं. एंड दैट इज़ वाई इंडियन मार्केट इज़ नाउ फ्लडेड विद इतने सारे जो बाहर के ब्रांड हैं, जो वेस्ट के ब्रांड हैं. इंडियन मार्केट इज़ नाउ लिटरली फ्लडेड विद ऑल द ब्रांड्स, क्योंकि लिबरलाइजेशन है. तो यू नो काफ़ी सारी चीज़ें, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट. तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा जो चीज़ें इंडिया में आई बाहर से, फ्रॉम ऑल ओवर द यू नो जो ग्लोब है वहाँ से चीज़ें, जो प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ से सारे ब्रांड हैं जो इंडिया में अब अवेलेबल हैं. एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन. द गवर्नमेंट इम्पोजेज मच लेस रिस्ट्रिक्शंस देन बिफोर एंड इज़ देयरफॉर सेट टू बी मोर लिबरल. तो जो अब जो ये गवर्नमेंट है वो इम्पोज करती है बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज करती है, जितने पहले करते थे उससे बहुत कम इम्पोज करते हैं. एंड दैट इज़ यू नो इसी को बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत लिबरल है. सो दैट इज़ वॉट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन अबाउट लिबरलाइजेशन. किस तरीके से लिबरलाइजेशन क्या करता है कि वो जो ट्रेड है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, उसको अलाउ करता है. इन जब गवर्नमेंट ये जो सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा लेती है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे, एंड दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड लिबरलाइजेशन. उसको बोला जाता है कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए थे उनको हटा लिया है. सो दैट इज़ ऑल हम लोगों ने डिस्कस किया इस सेशन में. थैंक यू.